.ovl O V V for victory L lion .ovl .scr .scr and many more मतलब इस तरह के और भी सिस्टम फाइल्स की के फाइल को वो करप्ट करता है इन्फेक्टेड एंड कोई दिक्कत नाउ वी कैन मूव ऑन बूट वायरस कोई दिक्कत और इसी में छोटा सा नॉलेज दे दूं C++ एवरग्रीन लैंग्वेज है ज्यादातर वायरस इसी में बनाए जाते हैं और ज्यादातर एप्लीकेशन भी इसी में बनाए जाते हैं आपका एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज विजुअल बेसिक के ड्राइंग और C++ के कोडिंग के साथ है सबसे बड़ी वजह कि C++ डायरेक्ट .exe बनाता है इसीलिए इसको रन करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती जैसे विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है अगर हम उसमें कोई चीज बनाएंगे तो वो फाइल जो बनाएगा उसको पहले हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा .exe में तब कहीं जाके वो रन करेगा यानी कि विजुअल बेसिक को जब भी रन करना पड़ेगा तो विजुअल बेसिक ही चाहिए लेकिन C++ जो प्रोग्राम बना के हमें देगा वो 4 लाइन की कोडिंग हो तब 4 करोड़ लाइन की कोडिंग हो तब वो डायरेक्ट क्या बना के देगा .exe तो उसको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल सी भी लैंग्वेज है C++ भी लैंग्वेज वो आप जैसे C++ जैसे आप उसको लॉन्च करेंगे ना तो ऐप बाकायदा वो एप्लीकेशन लैंग्वेज है लैंग्वेज का अपना प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म देता है मेन्यू है लेकिन ये ज्यादातर CLI वर्जन होते हैं CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस आपको वहां फोटो मोबाइल आइकन GIF ये सब नहीं मिलेगा ग्राफ नहीं मिलेगा विजुअल बेसिक में सब कुछ मिलेगा इसीलिए विजुअल बेसिक आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं है ये बहुत पुराना मई 1991 में ही आ गया था नया कैसे कह दूं 91 में आ गया था आप में से बहुत सारे उस समय इस धरती पर नहीं थे राइट बस सही है ना तो उसमें क्या है कि विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के लिए हमको विजुअल बेसिक का ही प्लेटफॉर्म चाहिए तभी हम उसके एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं मतलब इसको ऐसे समझो अगर .docs की फाइल है तुम्हारे पास या .pdf है और मोबाइल में एक्रोबेट नहीं है रन करेगा क्या यानी कि पीडीएफ को रन करने के लिए क्या चाहिए पहले एडोबी चाहिए लेकिन C++ में क्या है C++ हो तब भी रन करेगा नहीं हो तब भी रन करेगा उसको